हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा आई मेकअप ट्यूटोरियल। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जल्दी से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो, और अगर मुझे टिकटॉक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फर्स्ट आई हैव दीज फ्लॉमर आई लाइनर पेंसिल्स, ठीक है। तो इनको जो है ना मैं एज अ आई शेडो पेंसिल यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें से मैं रॉयल ब्लू कलर यूज़ करने वाली हूँ। आई लिड पर अप्लाई करूँगी इसको, और आई लिड से जो है ना क्रीज से थोड़ा सा लोअर तक मैं इसको रखूँगी। कलर को अच्छे से अप्लाई करूँगी, गोल सा सर्कल बना लेना है कलर की मदद से, पेंसिल की मदद से, और प्रॉपर अप्लाई करना है। यानी आपकी आई का एक भी स्किन पार्ट नज़र नहीं आना चाहिए। जिस पार्ट पर हमने अप्लाई किया है उसमें से कोई भी पार्ट यानी नज़र नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो है मैं इसको ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, यानी स्किन के साथ अच्छे से मर्ज कर दूंगी, ताकि जो है वो ऐसा लगे जैसे हमारा जो कलर है ना आईलिड का वो ब्लू है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब रॉयल ब्लू वेल्वेटी ग्लिटर ही जो है ना मैं इसको आई के ऊपर अप्लाई करूंगी। जो हमने काजल अप्लाई किया था ना, लाइनर सॉरी, उसके ऊपर ही मैं इस कलर को अप्लाई करूंगी। अब मैं यहाँ पर ब्लू कलर और साथ ही ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ, एक साथ दोनों को मिक्स करके जो है ना मैं एक डार्कर टोन बना लिया है, जो कि ब्लैक से थोड़ा सा कम डार्क है, बट जो है ना उसमें ब्लू और ब्लैक का जो है वो कॉम्बो आ रहा है। उसको जो है ना ग्लिटर से ऊपर मैंने अप्लाई किया यानी क्रीज पर, और अच्छे से जो है ना आउटर साइड पर भी अप्लाई करूंगी, इनर साइड पर भी अप्लाई करूंगी, और साथ ही बुलेट ब्रश की मदद से ही मैं इस कलर की ब्लेंडिंग कर रही हूँ। बहुत ही स्मूथली अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग करना मेकअप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आपका मेकअप बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से यानी कि बिग ब्रश की मदद से जो है इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रो बोन एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन को, कंसीलर को, आप चाहो कोई भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर कंसीलर यूज कर रही हूँ बिग कवर का, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अप्लाई के बाद ही मैंने इसको ब्रश की मदद से ये अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर दिया है। ब्रश की मदद से जो है ना आपका अगर कोई छोटा सा पार्ट है आपने इसको ब्लेंड करना है तो ब्यूटी ब्लेंडर से ज्यादा ब्रश आपका काम आ जाता है, उससे इजिली ब्लेंडिंग हो जाती है। उसके ऊपर ही मैं हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ गुब्रीनी का, ए पार्ट सेंट्रिश कलर पिक कर रही हूँ यहाँ पर गोल्डन कलर। उसमें से ब्रोबन एरिया में से मैंने जो है वो डार्कर कलर लिया है, ब्राउन कलर, चॉकलेटी ब्राउन कलर, और उसको मैं जो हूँ ब्लैक ब्लू कलर के थोड़ा सा ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, यानी क्रीज से थोड़ा सा ऊपर आई बोन एरिया पर, ठीक है, और अच्छे से ना उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। बहुत ही स्मूथली ब्लेंडिंग करनी, क्योंकि डार्कर कलर की ब्लेंडिंग करना ना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन बनाई है मैंने, यानी कि आई का जो आउटर साइड है ना उसको ख़त्म किया है, बिल्कुल नीट किया है, एंड देन अच्छे से फाउंडेशन को लोअर साइड पर लगाकर अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद क्रिस्टाइन का फेस पाउडर है, लूज पाउडर है मेरे पास, उसकी मदद से फाउंडेशन कंसीलर को फिक्स कर देंगे। सीलर को जो है थोड़ा सा क्वांटिटी में मैं इसको आई पर अप्लाई करूंगी। उसके बाद मिस रोज के पैलेट से मैं यहाँ पर ग्लिटर कलर पिक कर रही हूँ। मुझे जो है वो ना पर्पलिश कलर में कोई खास ग्लिटर पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने थोड़ा कॉम्बो रखा, और ब्लू गोल्डन सिल्वर इसमें तीन कलर्स मिक्स हैं ग्लिटर में, वो अप्लाई किया। आईब्रो बनाने वाले हैं हम, मिस्टराइज मिस बाकी आईब्रो पैलेट से ही जो है ना आईब्रोज बनाएंगे, और आईब्रो बनाने का एक आसान तरीका बताया था, आप वही अपना सकते हो, वरना हमारी तरह आज के इस ट्यूटोरियल की तरह बहुत ही इजी वे से भी बना सकते हो, यानी साथ साथ ही सेंटर वाला कलर भी लगाया और लोअर अपर लाइन भी लगाए। उसके बाद दोबारा नीड किया हमने अपने कॉर्नर को हाईलाइटर की मदद से फिक्स किया, इनर कॉर्नर पर हाईलाइटर अप्लाई किया, और उसको अंदर की तरफ जो है वो स्मज भी किया, यानी कि अंदर की तरफ ब्लेंड भी किया। उसके बाद मैं यहाँ पर आई के लोअर साइड पर सेम पेंसिल यूज़ कर रही हूँ फ्लॉर्मर की, और उसको जो है ना हमने जो लाइन लगाई थी हाईलाइटर की मदद से फिक्स की थी उसके बिल्कुल कॉर्नर पर मैं इसको जो है वो अप्लाई करूँगी, यानी सेंट्रिश वाला जो लाइन हमारा हमने लगाया था उसको हमने फिल नहीं करना, उससे अलग रखना है, यानी वो लाइन को हमने सेपरेट रखना है, वो नजर आना चाहिए। उसके बाद उस कलर को ब्लेंड भी किया है ब्रश की मदद से, और फिर मैं इसके अंदर लगा रही हूँ हुक्सिया ब्यूटी का ग्लिटर आईलाइनर, उसको मैं थोड़ा सा ग्लिटर वाला कर दूंगी, ठीक है, ग्लिटरी लाइन बना दूंगी। उसके बाद लाइनर का भी जो है ना मैं इसी की मदद से लगाने वाली हूँ, हुक्सिया ब्यूटी आईलाइनर ग्लिटर आईलाइनर की मदद से ये प्रॉपर आईलाइनर लगाया। उसके बाद लोअर पार्ट पर भी ग्लिटर को अप्लाई किया, मस्कारा अप्लाई करेंगे, और मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर फ्लेयर का, जिसके जो स्पार्कल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे हैं, इसीलिए आपकी लैश को लिफ्ट कर देते हैं। लैशेज अप्लाई किया मैंने आसमा खान ब्रांड के मंडे आर्टिकल, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल हमारा मेकअप हो चुका है। आज का मेकअप बहुत ही ज़्यादा मैंने डिफरेंट किया था, ताकि हमको यार कुछ यूनिक करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यूनिक चीज़ें जो है वो अंग्रेज ही कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो कोई कुछ यूनिक करता ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो यार कुछ न्यू लेकर आते हैं आप लोगों के लिए भी, और कुछ न्यू होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो देखने का भी और सीखने का। चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया, नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मुझे टिकटॉक और इंस्टा पर फॉलो भी करना। ओके बाय।